मन तो करता है यार यहाँ पहाड़ से कूद के अपने जान दे दूँ, और कोई ऑप्शन बचा नहीं है, सब कुछ खत्म हो गया है। कभी कभी यह सोच के हैरान हो जाता हूँ कि ऊपर वाले हमें परिश्रम ले रहे या हमें सजा दे रहे हैं। पर जब भी दिमाग में मरने का ख्याल आता है, खुदकुशी करने का ख्याल आता है, तो ये हमेशा याद आता है कि मेरे सपनों का याद आ जाता है कि मैंने जो सपना देखा है, मैंने जो ड्रीम देखा है, वो कौन पूरा करेगा, कौन मेहनत करेगा इसके लिए। पर यार कभी कभी ऐसा भी सोचता है यार सब कुछ खत्म हो गया और कुछ नहीं बचा है लाइफ में। लेकिन ये भी सोचता हूँ यार खुदकुशी करने से कोई सोल्यूशन नहीं होगा और खुदकुशी करने से कोई प्रॉब्लम सॉल्व भी नहीं होगा। आज मेरे को ये बात समझ में आ रहा है कि लोग क्यों खुदकुशी करते हैं, क्यों सुसाइड करते हैं। आज मेरे को ये बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रहा है। लेकिन फिर भी यार हार मानना नहीं चाहिए, चाहे लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, हार मानना नहीं चाहिए। चाहे लाइफ में कुछ करूँ या ना करूँ, लेकिन कम से कम अपनी माँ बाप के लिए कुछ करना है, जिन्होंने हमें इतना मेहनत करके बड़ा किया है, कम से कम उनके लिए कुछ करना है। चाहे अपने ड्रीम को पूरा कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, ये अलग बात है, लेकिन यार उनके लिए जीना है। लेकिन मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहूंगा, लोग कहते हैं फीलिंग को शेयर करने से थोड़ा बोझ हल्का होता है। आज मैं एक ऐसा सिचुएशन में हूँ, शायद हर कोई नहीं समझ पाएगा मैं एक ऐसा सिचुएशन में हूँ। अगर मैं मर जाऊँ तो ऐसा लगता है कि मैं मर जाऊँ तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, लेकिन मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगा और मेरा प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। इसलिए मैं कुछ अंदर का कुछ फीलिंग ऐसे ही बता रहा हूँ ताकि मुझे भी मेरा भी बोझ हल्का हो जाए। आप लोग गलत ना समझिएगा मुझे, प्लीज मैं आज हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग मुझे गलत ना समझिएगा। पर ऐसा हो रहा है मेरे अंदर में, मैं आप लोगों को बता नहीं पा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ बताने के लिए पर नहीं हो रहा है। बस तैयारी करो, मेहनत करो, जो भी होगा देखा जाएगा। और ऊपर वाले पे विश्वास रखता हूँ, पता नहीं ऊपर वाले हमें परीक्षा ले रहे हैं या हमें सजा दे रहे हैं, इस बात का कभी कभी सोच के हैरान हो जाता हूँ। तो चलते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। आप लोग अपना ध्यान रखिए, अपना परिवार का भी ध्यान रखिए। जय हिंद।